अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरा चेहरा देख के लग रहा होगा ना कि मैं रो रही थी, मैं सच में रो रही थी, क्योंकि अयूब इतना मुझे खाने के लिए सब लेकर आते थे तो मैं इतना गुस्सा करती हूँ उनको, इतना वेस्ट होता क्यों लेकर आते हो। पता नहीं, ये बात सोच के मेरे आँख में से पानी आने लग गया, क्योंकि अल्लाह के नजर में मैं गुनहगार समझाती हूँ ना, अपने शौहर को गुस्सा करती हूँ, लेकिन अयूब ने बोला कि अल्लाह के घर तक तुझे मुक्ति, मैं से झूठ बोला नहीं जाता, क्या करूँ, कोई बात नहीं। तो आज मैंने पता आपको क्या लगाई, एयरटेल कुर्सी, पता नहीं मेरा दिल बहुत चाह रहा था आज एयरटेल कुर्सी सुनने का, तो मैंने बोला चलो आपको तो पता ही है ना कि सुबह का वीडियो मैं खास 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 आप लोगों के लिए बनाती, ताकि ये जो तिलावत की जो आवाज़ गूंजती है ना, ये इससे हर बुरे काम दूर हो जाते हैं और बुरी चीज़ें दूर हो जाती है। तो खुदा ना खास्ता आप कोई चीज़ में बिजी हो या नहीं हो, तो कम से कम मेरा वीडियो के जरिए जब भी आप वीडियो खोलो तो कम से कम ये आवाज़ आप जहाँ भी रहो आपको ये आवाज़ गूंजे आपके पास आस पास। यही नीयत से लगाती हूँ कि बस अल्लाह मेरे घर में जो भी बुरी बलाएँ बुरी नजरें हैं दूर रखे। तो यही चाहत मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देखते हैं दुनिया की कोई भी कोने में हो, बस अल्लाह उनको भी अता करे। और बाकी तो कोई बात नहीं, बाकी तो हर वक्त मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ रोज़ी की, हर मोमिन करता है और अल्लाह हर मोमिन की सुने, और एक दूसरे के हक में हमेशा आप लोग भी दुआ कीजिए, पता नहीं अल्लाह किसकी सुन लेंगे और किसी की सुन के आपको भी अता कर देगा और मुझे भी अता कर देगा। बस यही दुआओं के साथ, यही चाहत के साथ और गुजराती नाश्ते के साथ, गुजराती शोहर के साथ सुबह की गुड मॉर्निंग। और आपको पता है मैं सोई थी, अयूब इतनी सारी फिश लेकर आए मेरे मनपसंद, उनके बेटे की मनपसंद, तो वो मैं आपको बाद में मेरे रील्स में तो दिखाऊंगी। और अल्लाह पाक से सच में दिल से दुआ करती हूँ, रोजी रिजक पे हूँ और आज के सामने बैठी हूँ, अल्लाह हर किसी को ऐसे ही चाहने वाला शोहर देगा।